हाय दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। मेरा नाम कृष्ण कुमार शुक्ला है और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं लेकिन राजकुमार सर के पास टाइम नहीं रहता है, तो इस वजह से आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर बताएंगे। एक लोग भेजे थे क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 5386 मीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जब तक इस वर्गाकार पार्क की भुजा नहीं मालूम कर लेंगे तब तक इसका परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 5386 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर हटके क्षेत्रफल पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट 73.38 हो जाएगा। अब जिन भी लोगों को इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता है, पीवीआर स्टडी की प्लेलिस्ट में वर्गमूल निकालने की विधि है, आप लोग जा करके वहाँ सर्च करके डाउनलोड कर कमेंट करेंगे देख सकते हैं। जिसको नहीं आता वो कमेंट करें प्लीज, और बताएं कि नहीं आता है उनको लिंक मिल जाएगा वीडियो देखने की और वो देख सकते हैं इसको कैसे, इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 5386 का वर्गमूल निकालेंगे तो 73.38 आ जाएगा, जो इस वर्गाकार पार्क की एक भुजा है। और जो वर्गाकार होता है तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 73.38 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का जोड़। इंग्लिश में बता दीजिएगा परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाओं को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा पेरीमीटर अर्थात परिमाप। परि का मतलब है चारों ओर, माप का मतलब है मापना, चारों ओर माप लेंगे तो वही परिमाप बन जाता है। तो चाहे हम चारों भुजाओं को जोड़ें या फिर एक भुजा लेकर के चार से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो परिमाप बन जाता है 73.38 गुणे चार, ये इसका परिमाप हो जाएगा। चार से गुणा कर दीजिए परिमाप हो जाएगा, सिंपल। चार अठे यह है आपका परिमाप इस वर्गाकार पार्क का, जो कि मीटर में है, मीटर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 45,581 मीटर स्क्वायर है, एक व्यक्ति इसके चारों ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूम रहा है, कितने समय में वह इसके चार चक्कर लगा देगा। एक चक्कर अगर लगाएगा तो उसका परिमाप हो जाएगा। इस पार्क का चार चक्कर लगाना है, पार्क का चार चक्कर लगाना है और उसकी स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पार्क का क्षेत्रफल दिया है 45,581 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसका परिमाप कितना है, और जब परिमाप पता चल जाएगा तो उसके चार चक्कर लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हम इसका कितने देर में इसका चार चक्कर लगा पाएंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं, भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर इतना है, तो भुजा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो भुजा बराबर 45,521 का स्क्वायर रूट, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों हमने बता दिया कि जिसको भी इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता है, पीवीआर स्टडी की प्लेलिस्ट में जाए और देख ले, नहीं तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो इसका 213.35, जैसा कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 213.35, यानी इस पार्क की एक भुजा भी 213.35, इस पार्क की एक भुजा है 213.35। ठीक है, तो इस पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे चार। तो भुजा कितनी आ गई है 213.35 गुणे चार, ये इसका आ जाएगा परिमाप इसको हल करने पर। तो चार से गुणा कर दीजिए, चार से गुणा करके जल्दी बताइए कितना आएगा।
चार से गुणा करेंगे तो 853.4 दशमलव उधर तक जो आएगा उसको रहने दीजिए, 4 × 5 = 20 जीरो आ जाएगा। तो इसका एक इसका परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया 853.40। अर्थात परिमाप का क्या मतलब हुआ, कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ इसके चारों तरफ चलता हुआ आएगा तो वो कुल कितनी दूरी चल लेगा, 853.4 दूरी चल लेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति है उसकी स्पीड कितना है, चाल है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। वो इसका 4 चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर में इतनी दूरी, 2 चक्कर में इसका दुगना, यानी 4 चक्कर में ये लगाता है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 853.4 × 4, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो या फिर गुणा कर लो, जब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये इतनी दूरी बन जाएगी। अब इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना कर लीजिए, फिर आगे ऊपर से क्वेश्चन मिटा के फिर से बताते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हल कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। दोस्तों आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब समय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, जब समय निकालना होगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये सब मीटर में दिया हुआ है, मीटर में, और ये दूरी, ये चाल जो दिया है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हमें इसको भी बदलना पड़ेगा, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए फार्मूला होता है चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। हमेशा क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको मीटर मीटर में कर लेंगे, किलोमीटर किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब इसकी कुल दूरी, जब वो चार पार्क का 4 चक्कर लगा रहा है तो वो टोटल कितनी दूरी चल ले रहा है, 853.4 × 4 बटे इसकी चाल कितनी आ गई, 10 × 50/18 मीटर प्रति सेकेंड, 50/18 मीटर प्रति सेकेंड, 50 यही रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, जो समय आएगा वो क्या बन जाएगा, 853.4 × 4, 18 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे रहेगा। अब इसी को कैलकुलेशन करके हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चाहिए तो काट दीजिए, कितने से, 2×18 = 25 आ जाएगा। ऐसे इसको सरल करके निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1228.896 सेकेंड आएगा। इसको अगर मिनट में बदलना चाहेंगे, 60 से भाग देंगे मिनट में आ जाएगा आंसर, जिसमें दिया, अगर आंसर सेकेंड में दिया है तो आंसर ये हो जाएगा, अगर आंसर मिनट में दिया है तो 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा 20.48 मिनट। अब इतना तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, गुणा भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको करने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है, एक लड़का इसके चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बताइए कितने समय में वह एक चक्कर पूरा कर लेगा। C
सेम क्वेश्चन नंबर टू की तरह ये भी क्वेश्चन है। ये खेत है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालेंगे और इसमें केवल एक चक्कर चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चलता हुआ आएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप। इसका परिमाप जो होगा वही वो दूरी चल रहा होगा लड़का। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 60025 मीटर स्क्वायर। इसकी भुजा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आपको अभी बताए थे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। और जिसको भी वर्गमूल निकालना नहीं आता है वो क्या करेगा, आप लोग जान ही रहे हैं, कमेंट करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पीवीआर स्टडी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। इस भुजा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 245 मीटर यानी इस एक खेत की एक भुजा जो है 245 मीटर है और वर्ग है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो सारी भुजाएं 245 एक चक्कर लगाने में वो यहाँ से चलेगा, पूरी परिमाप निकाल लेगा यानी कुल कितनी दूरी चलेगा, परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर निकाल लेंगे 245 × 4 तो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। निकालिए परिमाप कितना आ जाएगा, 4×20=0 हासिल 980 मीटर। यानी जब ये लड़का यहाँ से ऐसे 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 चलता हुआ यहाँ तक आया तो इसने कुल 980 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर वही इसकी स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना, चाल बराबर दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तुरंत चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल और आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो चाल आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया और दूरी कितनी हो जाएगी, परिमाप के बराबर जितना चला है, कितना दूरी चला है, 980 मीटर। 980 मीटर दूरी चला है, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समय निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 980, चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से इसको सरल कर लो, 5 × 5 = 4 × 9 = 48 196 सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए थे, 196 सेकेंड आएगा। अगर आपको इसको मिनट में आंसर दे रहा है तो 60 से भाग करके आंसर मिनट में निकाल लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। जहाँ पे नहीं आता है आप कमेंट करके आप बताइए। दोस्तों आप ही की तरह भेजे गया ये चौथा क्वेश्चन है, जिसमें यह है कि एक वर्गाकार मैदान को 1.60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का खर्च 640 रुपये है। यानी अगर एक ये मैदान है, ये इस एक मीटर है, एक मीटर स्क्वायर, इसको समतल कराने का खर्च कितना है, 1.60। और जब पूरा समतल करा दे रहे हैं तो उसका खर्च, टोटल खर्च आ रहा है 640 रुपये। एक मीटर स्क्वायर को समतल कराने का खर्च है 1.6 रुपये, जब पूरा समतल करा रहे हैं तो खर्च है 640 रुपये। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एकिक नियम, तो इसको उसी नियम से करेंगे।
1.6 रुपये में मैदान समतल समतल होगा कितना 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर तो टोटल कितना रुपया है 640 रुपये। हम 1 रुपये का निकाले क्योंकि चूंकि का नियम है इसलिए कितने में होगा 1 रुपये में कितना मैदान समतल होगा 1 रुपये में मैदान समतल होगा बराबर 1/1.60। इसलिए 640 रुपये में मैदान समतल होगा कितना 1/1.60 × 640 बराबर 640/1.60। यानी कि एक ही नियम से इसको कर लेंगे 1.60 रुपये में कितना मैदान समतल हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर तो 1 रुपये में कितना होगा 1/1.6 और 640 रुपये में कितना मैदान समतल हो जाएगा पूरा समतल हो रहा है पूरा मैदान समतल हो रहा है 640 रुपये में तो इसको निकाल लेंगे तो इस मैदान का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। दशमलव को कैसे निकालेंगे इस दशमलव को कैसे हल करते हैं आपको जीरो लेवल मैथ में पीवीआर स्टडी पर प्लेलिस्ट में वीडियो है आप लोग वहां से देख करके इसको जान सकते हैं। जिसको नहीं आता जहां पे नहीं समझ में आता कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं 640/1.60 इस ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा या फिर यूँ समझ लें कि इसको हटाने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा कर दो नीचे भी 100 से गुणा कर दो तो 640/0.160 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 64 कट गया 16 × 64 = 400 मीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। पूरे मैदान का क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि इसके चारों ओर तार लगवाने का खर्च चारों ओर तार कैसे लगवाएंगे यहाँ से मान लो ऐसे तार लगवाना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा परिमाप। तो आपको भुजा पता ही नहीं है तो भुजा कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल हमारे पास आ ही गया है क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर तो यहाँ से भुजा आ जाएगी भुजा बराबर क्या होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट भी ये कितने का स्क्वायर रूट है 20 दिशा में 420 का स्क्वायर रूट है तो इसकी जो भुजा आ गई 20 मीटर आ गई कितनी मीटर 20 मीटर इसकी भुजा आ गई। ठीक है यानी कि इसको लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मिटा के आगे बताते हैं। आइए देखते हैं जब इसका भुजा आ गई 20 मीटर तो इसका परिमाप निकालेंगे परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 यानी 20 × 4 = 80 मीटर यानी यहाँ से ले करके जब इसके चारों ओर यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे तो टोटल तार की लंबाई कितना होगी 80 मीटर और कह रहा है क्वेश्चन में इसका खर्च 10 रुपये की दर से यानी 1 मीटर तार की कीमत है 10 रुपये चूँकि 1 मीटर की 1 मीटर तार की कीमत है 10 रुपये तो 80 मीटर तार की कीमत होगी कितना 80 मीटर तार की कीमत 10 × 80 = 800 रुपये यानी इस तार की टोटल मैदान के चारों तरफ तार लगाने की कीमत होगी 800 रुपये। आप लोग इसको कर लीजिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और